हम आपको सरप्राइज दिखाने जा रहे हैं। काफी ठंड हो चुकी है तो ठंड का मजा लेने के लिए कुछ गर्मा गर्म। फ्रेंड्स हमारे साथ जो है आज लिटिल मास्टर शेफ है, तो हम इनसे ही पूछते हैं कि आज हमारे लिए क्या गर्मा गर्म बना। हम पॉपकॉर्न बना रहे हैं। तो पॉपकॉर्न कैसे बना रहे हैं आप बताएंगे हमें? ये हमने मक्की ली है, घी हमने डाल दिया है, ये घी हमने डाल दिया है। तो अब हमने इसके अंदर मक्की डालनी है कढ़ाई के अंदर। ये हमने मक्खी डाल दी, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे लिटिल मास्टर शेफ आज हमें जो है पॉपकॉर्न बना के खिलाने वाले हैं, जो कि चूल्हे पे पॉपकॉर्न बना के हमें खिलाएंगे। तो काफी देखने में बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है पॉपकॉर्न बनने का, तो शेफ ही आप हमें बताएंगे कि कितने मिनट में ये जो पॉपकॉर्न जो है रेडी हो जाएगा? ये 3-4 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो आपने इसमें इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, तो अभी आप क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे? हाँ। तो अभी हम वेट करते हैं। तो अभी जो है पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने पॉपकॉर्न जो है बढ़िया तरीके से बन चुके हैं। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी हम इनको जो है प्लेट में डालते हैं और इनका जो टेस्ट है उसे चेक करते हैं कैसा पॉपकॉर्न जो है रेडी हुआ है। तो जो अभी लिटिल मास्टर शेफ हैं, ये जो पॉपकॉर्न को प्लेट में डाल रहे हैं, तो जो पॉपकॉर्न है टोटली चूल्हे पे बने हैं, तो इससे जो है फ्रेग्रेंस काफी अच्छी आ रही है। तो देसी घी में, देसी घी आप टेस्ट करके बताओ। दोस्तों जो आपको सरप्राइज देने वाले थे, ये है पॉपकॉर्न जो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसका टेस्ट करेंगे कि हमारे लिटिल शेफ ने क्या कुछ कमाल करके दिखाया। वाह क्या बढ़िया बना है पॉपकॉर्न, मजा आ गया। देसी घी का भी पूरा स्वाद ले रहे, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें पॉपकॉर्न। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा चूल्हे पे पॉपकॉर्न का व्लॉग? तो अगर आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, प्लीज आप अपने घर पे भी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।